दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप घर बैठे टिक फीवर की कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपके डॉग को कहीं टिक फीवर तो नहीं है, कहीं चिंचड़ बुखार तो नहीं है। भाई टिक फीवर नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बुखार जो टिक की वजह से होता है, यानी चिंचड़ की वजह से होता है। तो भाई जो टिक्स की वजह से होता है वो हो तो गया, तो आप पता कैसे करोगे कि आपके डॉग को हो गया है। देखिए आप यहां पर एक फोटो देख रहे हैं डॉग की, और इस फोटो में मैं आपको कुछ ऐसी जगह बताने वाला हूं, उन जगहों को आप पहले पहचान कीजिए, फिर मैं जो बताऊं वो वहां पर आप अपने डॉग की देखना कि कहीं वहां सूजन तो नहीं है। जी हाँ, ये जो मैं आपको जगह बताने जा रहा हूं ये है लिम्फ नोड्स, जिनको आपको देखना पड़ेगा अगर टिक फीवर की पहचान करनी है तो। जी हाँ, जब भी टिक फीवर किसी डॉग को हो जाए तो हम उसको देखते हैं कि धीरे 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 वो कमजोर होता जाता है, खाना पीना उसका कम हो जाता है। लेकिन भाई कमजोर होना और खाना पीना कम होना तो और भी कई बीमारियों में हो सकता है। इसके अलावा जो इसमें फीवर रहता है वो भी रिकरेंट फीवर रहता है, कभी आता है कभी ठीक हो जाता है, कभी आता है कभी ठीक है, यानी कभी ज़्यादा बुखार तो कभी नॉर्मल, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो आपको ये डाउट तो हो जाएगा पहले ही कि यार कमज़ोर कैसे हो गया, खाना पीना कम कैसे कर दिया, या इसमें जो बुखार है वो कभी बुखार आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी कभार तो जोड़ों में दर्द भी होता है, जोड़ों में सूजन भी आ जाती है, यानी कि जो जोड़ है ये घुटने हो गए, आगे वाले पीछे वाले हो गए पैर, तो जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना भी इसमें देखा गया है। तो कई बार हम देखते हैं पेट दर्द भी रहता है, उल्टी होती है, दस्त होते हैं, यानी कि स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, पेट दर्द उल्टी दस्त जैसी शिकायतें भी मिलती है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं तो पूरा चेहरा हमें ये सूजा सूजा सा नज़र आता है, मतलब चेहरे पर सूजन नज़र आती है। तो कई बार नेजल ब्लीडिंग भी होती है, यानी नाक से खून आने की शिकायतें भी इसमें मिलती है। तो जो सूजन वाली बात मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी उसको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए एक्चुअली जो लिम्फ नोड होती है उसमें लगभग 5 प्रकार की लिम्फ नोड हमें इजीली विजिबल होती है और इजीली हम उनको देख सकते हैं। सबसे प्रमुख जो होती है वो होती है प्री स्केपुलर। जी हाँ, आप अपने डॉग को यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके पुल्ला, ये जो बोन है इसके जस्ट आगे, यहाँ से देखिए कहीं सूजन तो नहीं है, यानी आप यहाँ से पकड़ के देखेंगे तो एक गांठ सी आपको नजर आएगी, वो ही है प्री स्केपुलर लिम्फ नोड जिसमें सूजन आती है। तो लिम्फ नोड सबसे प्रमुख ये दिखती है, इसके बाद जबड़े का पिछला हिस्सा, यहाँ पर आप देखिए उसको बोलते हैं हम सब मैंडिबुलर, ये यहाँ जबड़े का पिछला हिस्सा, तो जबड़े के पिछले हिस्से को भी देखिए कहीं यहाँ तो सूजन नहीं है, वो आप चेक कर लीजिए, ये टिक फीवर की प्रमुख निशानी है। इसके अलावा एक्सिलरी, एक्सिलरी जो होती है आपके लिम्फ नोड्स, वो कहाँ होती है, वो होती है इस पैर के पीछे की तरफ मिलेगी आपको, यानी ये अगर पैर पीछे जाता है तो हम अंदर से उस उधर वाले पैर की देख सकते हैं, तो ये पैर पे रहती है, जो जब पीछे से पैर को आगे करें तो हम आगे से भी देख सकते हैं, यानी पैर के पीछे ये रहती है जिसको हम एक्सिलरी बोलते हैं। और एक्सिलरी जो होती है वहाँ पर भी हो सकती है सूजन, लेकिन इसको हम ज़्यादा पहचान नहीं पाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल, यहाँ पर अगर सूजन है तो भाई इसके अलावा कुछ जैसे इंग्विनल भी होती है, इंग्विनल कहाँ होती है, ये पिछले पैर के अंदर की तरफ होती है, ये यहाँ पर भी सूजन आ सकती है। इसके अलावा पैप्लीसियल, तो पॉप्लीसियल जो होती है वो यहाँ होती है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो टोटली ये 5 जगह से आपको सूजन नजर आएगी, लेकिन यहाँ को आप अच्छे तरीके से पहचानिए इस सूजन में, यानी ये प्रमुख इंडिकेशन होता है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें मिल रही है ना तो इसका मतलब टिक फीवर हो गया है, जल्दी से जल्दी जांच करवाइए, जल्दी से जल्दी इलाज करवाइए। इसके अलावा ज्यों ज्यों ये ज़्यादा ज़्यादा होता जाएगा त्यों त्यों डॉग कमज़ोर होता जाएगा, कमज़ोर होता है यानी खून की कमी होती है, उसको हम एनीमिया कहते हैं। कई बार एनीमिया होने से पहले ज्वाइंटिस भी हो जाता है, यानी कि पीलिया, अगर आप आंखों को देखोगे आंखें आपको पीली नज़र आएगी, अगर आप गम्स को देखेंगे तो ये पीले नज़र आएंगे, अगर आप पैर उठा करके और पैर के नीचे की जो सॉफ्ट स्किन होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़, उनको देखोगे तो वो पीले नज़र आएंगे, पेशाब भी कई बार पीला आने लग जाता है। तो पीला आना
ये भी देखा जाता है। तो पीला आने से पहले कई बार लाल पेशाब यानी कि कॉफी कलर जैसा पेशाब भी नजर आता है। तो पेशाब अगर कॉफी कलर जैसा है, कई बार पीला भी हो सकता है, तो ये अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि भाई टिक फीवर इसको हो गया है। लेकिन जब ज़्यादा ज़्यादा स्थिति बिगड़ती जाती है, ज़्यादा ज़्यादा जो जो स्थिति बिगड़ती जाती है, फिर अकड़न रहने लगती है शरीर में और नसें जो है वो खींचने लगती है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नजर आते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब लहरा के चलना, चलते चलते गिर जाना, अचानक फिट्स आने लग जाना, मतलब ये शिकायतें जब ज़्यादा होती है टिक फीवर में, अंतिम स्टेज में ऐसे लक्षण भी आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने टिक फीवर के बारे में आपको बताया है, आपने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, भाई पहचान लो, क्योंकि टिक फीवर बहुत ही बड़ी बीमारी है और बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में हमारे लोग को जकड़ लेती है। अगर शुरुआत में हमने नहीं पहचाना, यानी कभी बुखार आता है, कभी उतर जाता है, आप सोच रहे हो यार कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक हो जाएगा, कभी कोई टेबलेट दे दी, कभी नियर बाय वेट से कोई इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन जाँच के बगैर पता कैसे चलेगा, या फिर कमजोरी रहती है, खाना पीना कम रहता है, तो उस समय हम अक्सर ध्यान नहीं कर पाते, अक्सर ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये लसिका ग्रंथियों में यानी कि लिम्फ नोड में सूजन आती है, जोड़ों में दर्द होता है, कभी पेट दर्द, उल्टी, दस्त रहता है, तो फिर समस्याएं ज़्यादा हो जाती है। और कई बार इसमें हमने देखा है कि पेट के जो नीचे का जो रीजन होता है उसमें कई बार दाने दाने भी, जैसे डिस्टेंपर में होता है ना, उस तरीके से दाने दाने भी नज़र आते हैं। तो इन सभी लक्षणों को आप पकड़िए और टिक फीवर की पहचान कीजिए, तुरंत आपको पता चल जाए तो नियर बाय बेड से आप तुरंत इलाज करवाइए। हमने सारे के सारे हमारे जो इलाज है वो रामावत एनिमल ऐप पर डाल दिए हैं। रामावत एनिमल ऐप का एक गॉड डिजीज सेशन है, एक गॉड क्लास सेशन है, इन दोनों पर आपको हर एक बीमारी के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने वहां पर एक फ्री लाइव भी ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों के लिए कि डॉग्स की जितनी भी समस्याएँ हैं वो हम शाम को मैं लाइव आता हूँ, लाइव आकर के आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको वहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं और वहाँ आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी दिया जाता है। तो भाई आप वहाँ जाकर के फ्री लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी बात है तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टिक फीवर से अपने डॉग को बचाना चाहते हैं तो भाई बचाव क्या है, जब टिक से हो रहा है तो टिक को बचाइए। हालांकि जो ब्राउन डॉग टिक्स होती है उनसे होता है, कभी डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें अगर आप निवेदन करेंगे ना तो मैं उनके बारे में भी डिटेल बताऊँगा। प्लस ये जो टिक फीवर होता है, कई कहते हैं साहब टिक फीवर सिर्फ बबेसिया कैनिस की वजह से होता है, लेकिन नहीं, सिर्फ बबेसिया नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ है जिनकी वजह से टिक फीवर होता है। तो कई प्रकार के अन्य पैथोजन भी है जो टिक फीवर को फैलाते हैं, यानी टिक फीवर को फैलाने वाले पैथोजन्स बहुत प्रकार के हैं। बस हम इसे टिक फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि डॉग के शरीर में जो इसका प्रवेश होता है वो टिक्स के माध्यम से ही होता है, इसीलिए हम इसको टिक फीवर कहते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्या जानकारियां चाहिए, मुझे पता भी तो चलना चाहिए।